गौतम के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहा था। देर रात बात इतनी बढ़ गई कि एक पत्नी ने दूसरे की टांगी मारकर हत्या कर दी। घटना लंगाढोल थाना क्षेत्र के झलरी गांव की है। घटना पति के सामने ही घटित हुई। टांगी से हमले के बाद पति ने घायल महिला को देखा तो उसके सिर से लहू की धारा फूट रही थी और उसके प्राण निकल चुके थे। इसके बाद पति ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन इस बीच हत्या करने वाली महिला वहां से फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि विजय अग्रिया की शादी वर्ष 2020 जून में नंदिया अग्रिया के साथ हुई थी। इस बीच हाल ही में फसल कटने आई दसमतिया दूसरी पत्नी के रूप में विजय के साथ रहने लगी। दसमतिया का साथ रहना नंदिया को नागवार गुजर रहा था। इस दौर में वह पति विजय से कई बार कह चुकी थी, जहां देर रात टांगी से प्रहार कर सौतन को मौत के घाट उतार दिया। 7 बजे के लगभग सूचना मिला कि ग्राम छोड़ी अगरियान मोहल्ला में जी विजय कुमार अगरिया की दूसरी वाली पत्नी को उसकी पहली पत्नी जी नंदैया अगरिया के द्वारा रात्रि करीब 1-2 बजे के लगभग जी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जी। सूचना पाकर हम सुबह रवाना हुए, देखे तो घटना सही और निरीक्षण किया गया तो 4-5 जगह चोटें थी, काफी गहरी चोट थी, कुल्हाड़ी से मारी हुई चोटें थी जी, गर्दन में, सीने में, हाथ में जी। और विजय का भी कुछ दिन पहले ही शादी हुआ था जून माह में जी, और शादी के 2-3 माह बाद जो मृतिका है वो दूसरी लड़की आई थी यही गांव में, उनके रिश्तेदारी है जी, और उसके साथ रहने लगी थी, अपनी इच्छा से पत्नी के रूप में रह रही थी जी। लेकिन ये बात जो पहली वाली पत्नी थी वो काफी नाराज थी इस बात से जी, और बाद में परिवार वालों को समझाने पर वो मान गई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद गुस्सा था जी, और कल अपने गुस्से को निकाल दिया उसके ऊपर प्रहार कर दिया। तो अभी तक सर जानना चाहेंगे कि वो जो आरोपी है तो ये क्या पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या उसको अरेस्ट कर लिया गया है? अभी तो फिलहाल वो अपने मायके में दस्तयाब हो गई, भाग गई थी रात में तो अपने मायके पहुंच गई, पुलिस टीम रवाना कर दी है जी, जो अपने मायके मिल गई है जिसको लेके आ रहे हैं जी। जी सर, धन्यवाद।